इनके जैसे बच्चे होने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो। Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. और without wasting any time, सीधा video ही start कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि मैं busy हूँ या मैं कुछ बहुत ही बड़ा काम कर रही हूँ या मैं अपने holidays पर आई हूँ, आप सभी को पता है, उसी वक्त लोग मुझे poke करते हैं, है ना? Poke तो कर दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मुझे एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान जिसने ना कभी मेरी शक्ल देखी है ना मैंने उसकी शक्ल देखी है या जो मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़ा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक व्लॉगर नहीं हूं। ठीक, आज किसी ने बताया कि मतलब आज राखी का दिन है, तो आप सभी को हैप्पी राखी, आप सभी के भाइयों को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी जिंदगी दे। पर राखी के दिन एक ऐसी भी बहन है जो पिछले साल भी राखी पे लड़ रही थी, इस साल भी वो राखी पे लड़ रही है, पता है किससे? अपने ही भाई से। और मतलब शर्म की बात है। और एक और चीज आप लोग को बता दूं, ये करीब आई गेस एक या दो दिन पहले अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन ये दो दिन इसने वेट किया कि पहले राखी आ जाए उसके बाद में लड़ाई करूंगी, क्योंकि पिछले साल भी तो राखी को लड़ाई की थी, विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाके एक बार चेक करिएगा कि पिछले साल राखी कौन सी डेट को थी, और इसके वीडियोस आप जरूर चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा इसकी आदत है, हर त्योहार पे कलेश काटना इसकी आदत है, राइट? कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोग लड़े मरे कटे, एक दूसरे को गाली दें, नंगा करें, एक दूसरे के कच्छे खोलें, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। अब यहाँ पे इनकी लड़ाई में घसीटा जा रहा है मेरे को इनडायरेक्टली, आप पढ़ लीजिएगा, एक कम्युनिटी है जहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, तो सुनो 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 सुनो, मेरे को एक नए पैसे की फर्क नहीं पड़ती कि तुम पिछड़ी सोच वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे एक नए पैसे की, मुझे तुम लोग के ऊपर तरस आता है, जिनकी ये सोच है उनकी सोच पे मुझे तरस आता है, क्योंकि उन लोगों को कभी जिंदगी में एक्सपोजर नहीं मिला, उन लोगों ने कभी जिंदगी में करियर बनाने की नहीं सोची। तो भाई ऐसा है कि मेरे को तो तुम लोग के ऊपर तरस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कुछ कह सकती। ऑब्वियसली एक भाई ने ही मुझे राखी के दिन बताया है कि उसकी बहन मुझे क्या कह के बुलाती है, तो उस भाई को मैं बताना चाहूंगी कि जो तुम्हारी बहन है उसको उसकी माँ उस शब्द से बुलाती है, क्योंकि एक माँ को ही अच्छा पता होता है ना कि उसकी बेटी कैसी है ना, उसकी माँ ही उसको उस शब्द से बुलाती है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही आती है, रोती है, अपने ही लिए पता नहीं कैसी कैसी गालियां लिखती है, अपने ही चैनल का नाम बदलती है, ये करती है वो करती है। जो औरत खुद के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर सकती है, वो किसी दूसरे के लिए क्यों सोचेगी, पहली चीज। अब बात करती हूँ इनकी पूरी फैमिली की। अब क्योंकि इन्होंने मुझे ये बी वर्ड बताया है कि ऐसा बोल रही है मेरी बहन और बहुत खुश होती है, मैंने कम्युनिटी पे लिखा भी है कि वैसे भी उसके जीवन से खुशियां तो चली गई हैं, टाटा बाय बाय करके फेयरवेल हो चुका है खुशियों का, है ना, तो कोई बात नहीं, यही बोल के खुश हो लेने दो, एटलीस्ट मैं कारण तो बन रही हूँ किसी की स्माइल का, भले ही उसका कारण जो वो जिस कारण से वो खुश हो रहा है बड़ा ही नीच गलीच गिरा हुआ हो, बट एटलीस्ट कारण तो मैं ही बन रही हूँ ना इसकी स्माइल का, अदरवाइज तो इसके जीवन में खुशियों का लता पता है ही नहीं, दिन भर इंटरनेट पे बैठ के गाली खाती है लोगों की, दिन भर पागलों की तरह उठपटांग चीजें रिकॉर्ड करके अपलोड करती है, अपनी गंदगी दिखाती है, लोग उसमें बहुत ही ज्यादा उसको कितने लुफ्त उठाते हैं, इसके मजे लेते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूं, इसकी तो जिंदगी वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, मैं मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज, इनकी फैमिली की बात करते हैं। अब ये बी वर्ड से मुझे बुलाती है ना, चलिए एक बात बताते हैं, जब इनके, अब मत बोलना कि पर्सनल जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, क्योंकि मुझे बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं, मुझे क्या करना है जीवन में क्या नहीं करना है, आई एम नॉट अ व्लॉगर, स्टिल सम यू नो शिट माउथ पीपल टॉक अ लॉट अबाउट मी, ठीक है, तो इसलिए अब सब कुछ पर्सनल होगा तो बी वेरी केयरफुल, है ना, कि क्या क्या चीजें बाहर आ सकती है, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं, ठीक है, तुम लोग व्लॉगर हो उसके बाद भी मेरा मुंह बंद रहता। चलिए, इनके माँ बाप की शादी होती है, माँ को पिताजी अच्छे नहीं लगते, सब कुछ ऑन
यू नो सोशल मीडिया है ऑलरेडी। इनकी मम्मी ने खुद ही बोला है कि अच्छे ही नहीं लगे थे, पसंद ही नहीं आए थे कभी, तो कभी सीधे मुंह बाप से बात ही नहीं की। और पिताजी को आदत थी इनके दारू पीने की, दारू पी पी के बीवी को मारना और घर में मतलब यू नो वो सब हथियार वथियार लेकर के जिससे हम लोग सब्जियां काटते हैं, मार देना अपनी वाइफ को, घोंप देना, ये कर देना। इतने प्यार के साथ इन लोगों ने तीन बच्चे पैदा किए गाइस, तीन बच्चे। एक बच्चा बड़ा अच्छा निकल गया, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल लाइक हिम जो मतलब घर की हर कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, अपने काम से काम करते हैं। लेकिन लेकिन माँ बाप के कर्मों का, भाई बहनों के कर्मों का, अपने कर्मों का भुगतान किसी ना किसी को परिवार में करना ही पड़ता है। अब वो कहां से जाके कौन सा कर्मा कौन सी कड़ी जोड़ता है वो समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो पहला बच्चा बहुत पढ़ा लिखा अच्छा, क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ हादसा हो गया, क्योंकि उसकी बहन सबके यू नो सब्सक्राइबर्स, खुद के सब्सक्राइबर्स को, दूसरों के सब्सक्राइबर्स को, दूसरों के बच्चों के लिए बोलती है कि तुम्हारे घर में सब लोग लेट जाएं जमीन पर। इसको कहते हैं वापसी, तुम्हारी बद्दुआ की वापसी। अब इन माँ बाप के बारे में आप सोचिए, इन्हें कैसा लगता होगा कि इनका बड़ा बेटा जिसका डिवोर्स हो चुका है, उसने डिवोर्स होने के बाद अपने घर में बताया कि डिवोर्स हो चुका है, अब हम लोग साथ नहीं है। ठीक, कैसा लगता होगा कि एक जो बड़ा बेटा बहुत ही होनहार है उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो डिवोर्सी हो चुका है। बात करते हैं दूसरे बच्चे की। बेटी जहां जाए वहीं नाक कटाए, मुंह खोले तो गटर, गटर खुल गया ऐसा लगता है, बदबू फैल जाती है पूरा वाइटी पर। इसका वीडियो आते ही कहीं कीड़े दिखाए, ये कहीं सड़ा हुआ खाना दिखाए, कहीं किसी को गाली दे रही, कहीं किसी को पतुआ। आज बैठ के अपने भाई से लड़ रही है, उसका स्टेटस देखिए, हस्बैंड उसका चला गया। आता है तीसरा लड़का, सबसे छोटा और लाडला माँ बाप का, वैसे लाडला नहीं है, मारपीट करता है माँ बाप के साथ, लेटा लेटा के बाप को मारता है, पैर से मारता है, घूंसे मारता है, इतना होनहार लड़का। जो सामने आए उसके जीवन में जो आ जाए उससे उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, बिकॉज उसको पता नहीं क्या कौन सी इनसिक्योरिटी है, कौन सा फूल कुमार है, कौन सा अंगूर का गुच्छा है, पता नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं एक आध दो टूट के गिर जाए, कहीं बच्चे ने मार दिया, कहीं ये हो गया, कहीं बहन ने मार दिया, कहीं बाप ने मार दिया, कहीं माँ ना मेरे को कुछ कर दे, ओ मेरी बीवी ना मेरे को कुछ कर दे होने वाली, अरे मेरी दोस्त ना मुझे कुछ कर दे, ओ माय गॉड मैं तो सबको मारूंगा, मेरे हाथ पैर चलेंगे। ये होनहार बच्चा जो है ना, इसका भी स्टेटस जान लो, शादी की है नहीं की है, आज तक अपने आप को क्या बताता है, बैचलर, मेरी शादी होगी, मेरा रोका हुआ है। अपनी फियोंसे का नाम बताने में इसको शर्म आती है, बहुत भयानक शर्म आती है, तरह तरह के नामों से जानता है। आज भी कम्युनिटी पे गलत नाम लिखा है, साक्षी नाम है। साक्षी नाम, सही नाम लिखो ना, आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारी जितनी गिरी हुई नहीं होगी, आई कैन बेट ऑन दैट। जो तुमको फोर व्हीलर गिफ्ट कर सकती है वो तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं होगी, तुम बेरोजगार निकम्मे, राइट, तुम्हारे जितनी गिरी नहीं होगी, मारती भी नहीं होगी अपने माँ बाप को, बच्चों को, अपने भाई बहनों को, तुमको मारती भी नहीं होगी, है ना, राइट। तो इसका क्या है कि आज तक अपने आप को बैचलर बताता था, फिर इसमें एक रोका का इसने बहुत ही बड़ा एक स्वांग रचा और अपने वीडियोस डाला, क्योंकि कंटेंट बनाना था ना, वैसे भी कंटेंट में अलग अलग लड़कियां लेकर आता है, लड़के इसके पास भटकते भी नहीं है, इससे दोस्ती करते भी नहीं, इसके अंदर एक पंचायती औरत की आत्मा का वास है ना, तो वो जो है उस आत्मा को ये हर थोड़े दिन पे फ्यूल देता है, लड़ाई झगड़ा करके बहन से ये वो। इसका स्टेटस क्या है, कुंवारा बाप, मैं तुम्हारी बात पे जा रही हूं कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई अभी तक, तो रोका हुआ है, लेकिन तुम्हारी बच्ची है, तुमने कभी अपने वाइटी फैमिली से झूठ नहीं बोला, ना तुम आगे झूठ बोलोगे, तुम्हारी एक बेटी है, गए थे मिलने, उससे मिलने नहीं दिया गया, क्या हो गया था, क्यों नहीं मिलने दिया गया था, क्यों नहीं मिलने दिया गया था, बताना, झूठ एक शब्द भी मत बोलना, ठीक है, मुझे मत समझाओ कि तुम्हारी बहन क्या बोलती है, किसको क्या नहीं बोलती, मुझे पता है तुम्हारी बहन एक गटर है जिसका ढक्कन तीन बार दिन में तीन बार खुलता है, वाइटी के ऊपर उस गटर का ढक्कन दिन में तीन बार खुलता है,
और मुझसे ज्यादा किसी के पास कारण नहीं है उसको अच्छे से बजाने का। लेकिन उसके बाद भी मुझे बुरा लगा क्योंकि उसके साथ एक बीमार बच्चा है। छोटे बच्चे को लेके इतनी गर्मी में जनरल के डब्बे में सफर करना अपने आप में एक सफरिंग है, तो मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लगा। और जब ये ऐसे गरीब सा मुंह बना के कर रही थी ना, तो मुझे इसके ऊपर भी तरस आया, क्योंकि पता है ना कि तुम मारपीट करते हो सबके साथ, क्या क्या एक्ट लगेगा तुम्हारे ऊपर, पॉक्सो लगेगा, औरत के ऊपर अत्याचार करने का तुम्हारे ऊपर लगेगा, प्लस तुम्हारे ऊपर सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ पैर उठाने का, मारने का। भैया पुलिस ले आके ना हड्डियां तोड़ देगी तुम्हारी, ज्यादा केस केस करके ना कूदो। और दूसरी चीज, एक और बात आपको बताती हूँ, इनका भाई बहुत अच्छे बैंक में काम करता है, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी पे लिख रहे हो ना, एम्बुलेंस का 15 लाख, देखो 15 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, सब बैंक देने वाली है। तुम तो ऐसे फेंक रहे हो, मतलब तुम कुछ काम धंधा सीरियसली करते नहीं हो, एक पैरासाइट हो मात्र, और तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, जैसे 15 लाख तुम अपनी आंटी से निकाल के देने वाले हो, हैं? इन दोनों की बातों में बिल्कुल ना आइएगा, बहुत ही वाहियात किस्म के दोनों भाई बहन हैं। इनके जैसे बच्चे होने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो। इतने कमीने, इतने नीच बच्चे, इतने निकम्मे और नाकारा बच्चे होने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो, है ना? That is much better. क्या होगा तुम्हारे जैसे बच्चे जिसके हैं, क्या क्या खुशी देती? तुम्हारे माँ बाप तो बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी तो बोलते हैं, तुम लोगों ने, दोनों भाई बहनों ने मिलकर के कहीं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो भैया जिसका बुढ़ापा इतना खराब कर दिया, एकदम सड़ा दिया है, फंगस लगा दिया है तुम लोग ने अपने माँ बाप के बुढ़ापे में, तुम्हारे जैसे बच्चे होने से तो अच्छा ना ही हो बच्चे, है? बोलो बोलो बोलो, लग रहा है बुरा सुन के? हाँ लगेगा ना बुरा, लेकिन सच बोल रही हूँ। और हाँ, अपने सब्सक्राइबर्स को जो तुम्हारी दीवानियां घूमती इतनी सारी, ये ना बोलो आपका ये कभी गलत नहीं था, तुम शुरू से लेके अंत तक गलत हो, तुम्हारे अंदर की चेतना मर चुकी है इसलिए तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आ रही। बाकी हाँ, तुमने आज ही मेरे लिए एक वर्ड लिखा अपनी कम्युनिटी पे, क्या हो गया तुम्हारे, बाहर इमरजेंसी हो गई, तुम्हें डर लग गया? ओ माय गॉड गाइस, जो गुवाहाटी है ना, वहां पे एक सिटी सेंटर मॉल है जहां पे बॉम्ब स्केयर हुआ है, ठीक है, बॉम्ब स्केयर, ओनली स्केयर। फिर बॉम्ब स्केयर होता है ना, तो डॉग स्क्वाड आता है और फिर वो पूरा सूंघ सूंघ के देखता है कि कहीं है कि नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 घंटे लगते हैं। मुझे कैसे पता है? क्योंकि जब मैं काम करती थी तो मेरे ऑफिस में दो बार, दो अलग अलग ऑफिस में फोन आया था कि बॉम्ब रखा है, क्योंकि वहां पे एक साथ बहुत सारे लोग हुआ करते थे, पूरी ऑफिशियल बिल्डिंग थी, 3-4 हजार लोग पूरी बिल्डिंग में मिला के रहते थे उस वक्त, ठीक है। और बहुत ज्यादा वहां से जनरेट होता है बाहर का डॉलर, ठीक है, तो वो हमेशा टारगेट पे रहती है। तो वहां पे भी हुआ था, कुछ नहीं हुआ, हम लोग से इवैक्यूएशन करवाया गया, हम लोग बाहर चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग अंदर भी चले गए, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ स्केयर होता है, आप लोगों को याद होगा ऐसा ही स्केयर हुआ था दिल्ली के स्कूल्स में, राइट। तो ये जो तुम तुरंत क्या कहते हैं ना, वो बन जाते हो ना ऐसे काकी बन के, अब तो भाई के साथ भी मैं ही, तुम लोग तो साले इतने मनहूस हो कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, तुम कह रहे हो तुम भाई के साथ जाओगे, मतलब तुमको पता है कि वो जाएगा, ये तुम कह रहे हो? तुम अपने भाई के लिए ऐसा कह रहे हो ना, तुमने लिखा है वहां पे कि अब तो मैं भाई के साथ ही जाऊंगा, क्यों लिखा है ऐसा? सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचिएगा। और रही बात कि मेरे को कौन क्या बोल रहा है, मुझे कोई नए पैसे का फर्क नहीं पड़ता, एक नए पैसे का मेरे को बहुत मजबूत कर दिया इन छपरी लोगों ने, जो मेरे हेटर्स बने घूमते हैं, मुझे एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ अभी है कि अभी मैं जवाब दे दूंगी तो रोना आ जाएगा, सबके नाम की एनसी लेके बैठी हूँ बेटा, सिर्फ मूवमेंट करना था इसलिए वहां पे कंप्लेंट नहीं कर रही थी, अब कर दूंगी, अब तुम आओ हम कर देंगे। बाकी डरते हम किसी से नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, हम किससे डरते हैं? महाकाल से डरते हैं, राइट। और जिसको लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए महाकाल बोल रही हूँ ना, हर 4 दिन पे भगवान नहीं बदलती मैं अपने, मैंने बहुत लोग देखे हैं वाईटी में, आज ये भगवान, कल वो भगवान, कल परसों वो भगवान, नहीं 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 अपना सीन ऐसा नहीं है, एक ही भगवान को सब कुछ मानती हूँ। और रही बात कि बहुत डाउट है कि कैसी हूँ मैं, दिखावा करती हूँ, देखे देखो गाली, एक बार देखे देख लो गाली, चैलेंज कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं बोलूंगी,
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हें जवाब मिल जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से। और एक और चीज, महादेव से पंगा लिया है तुम्हारी बहन ने, महादेव से उठा के मंदिर फेंक दिया था, ऐसे पलट पलट के गया था मंदिर, समझ रहे हो ना। हाँ, उसमें से महादेव गिर गए थे, जिनको उसने कहाँ रखा है, स्टोर रूम में, समझ में आई। तो पंगा किससे लेते हो तुम लोग, सीधे भगवान से पंगा ले लेते हो तुम लोग, तो भगवान से भी महान समझते हो अपने आप को। फिर रोया ना करो यार, रोया ना करो, है ना। दिवाली, होली और बड़े बड़े जितने भी त्योहार है उसमें तुम लोग कलेश काटते हो, तुम लोग का कलेश ला के पटकते हो ज्यादा वाईटी पे, मतलब वाईटी पे लोग अपना त्योहार मना रहे हैं और ये दोनों मचा रहे हैं, भाई बहन राखी के दिन ये दोनों मचा रहे हैं। और उस छपरी ने, ये क्या नाम है इसका, ये 35 साल की औरत साइक्लोन, ये डेट देखती है, ये बाकायदा राखी का वेट करती कलेश काटने के लिए। बहुत ही बड़ी वाली है ये नीच औरत। तुम दोनों सुधर जाओ, नहीं तो कोई बाहर से आके तुमको सुधारने लग गया ना तो तुम लोगों के लिए मुश्किल बड़ी हो जाएगी, समझ में आई। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम में बिजी हूं, मैं एक टाइम पर एक ही काम करना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, तुम लोग की बेहूदा बातें मैंने देखी, बेहूदा कम्युनिटीज देखी, एक दूसरे से पैसे का हिसाब लेते हुए देखा। भाई हमारे घर में कोई पैसे वैसे का हिसाब नहीं लेता ऐसे, तुम लोग अतरंगी महान आदमी हो और महान औरत हो, ऐसे ही लड़ो। तुम्हारी लड़ाई में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे भगवान, और ऐसे ही रोते लड़ते कलेश काटते ही तुम्हारा जीवन कटे, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल एंड बाय।